Pledge, I, Kamaljeet, commit to wave as light and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Today we will start our story, A Horse and Two Goats. We will continue the story until हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे वो वहाँ पे एक मुन्नी नाम की लड़की थी, वो घर पे रहती थी, उसके पास गॉड से उसने अपने उसको लिस्ट दी पूरा खाना प्रिपेयर करने के लिए. मुन्नी सेट पेशेंसली ऑन द अपटर्न पैकिंग कीस बिलो द प्लेटफॉर्म ऑफ द शॉप. तो वहाँ मुन्नी बैठ गए और उसने क्या किया, अब तक वेट किया कि जब तक वो प्लेटफॉर्म की शॉप तक पहुंच गया था. शॉपमैन पेड नो अटेंशन टू हिम. जो शॉपमैन था उसने उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया. मुन्नी कैप्ट क्लियरिंग हिज थॉट, कॉफिंग एंड स्नीजिंग अंटिल द शॉपमैन कुड नॉट स्टैंड इट एनीमोर एंड डिमांडेड व्हाट एल्स यू. तो मुन्नी ने क्या किया, अपने गले को थोड़ा सा जैसे कि हम साफ करते हैं वैसे किया, कफिंग की स्नीजिंग की अंटिल जब तक उनको शॉपमैन ने उसको अटेंशन नहीं दिया. यू विल फ्लाई ऑफ दैट सीट इन टू द गटर इफ़ यू स्नीज थ्रू हार्ड यंग मैन. तो उसने बोला कि आप वहाँ पे चले जाओगे गटर में अगर आप वहाँ पे नहीं गए तो. मुन्नी लाफ्ड inordinately in order to please the shopman had been called young man. This completely won the shopman over. He liked his sense of humor to be appreciated. तो उसने क्या किया, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उसको अप्रिशिएट किया. वाई दस ह्यूमरिंग द शॉप मैन, मुन्नी कुड ऑलवेज आस्क फॉर वन और टू आइटम्स ऑफ फूड्स प्रॉमिसिंग रीपेमेंट लेटर. तो मुन्नी ने उस शॉपमैन से अपनी दो तीन आइटम फूड की पूछी और प्रॉमिस किया कि वो उसकी पेमेंट लेटर कर देगी. सम डेज द शॉपमैन वाज इन गुड मूड एंड गिव इन. तो कुछ दिन तो वो गुड मूड में था इसलिए उसने दे दिया. एंड वेस्टवर्ड और ही कुड आल्सो क्राउच अंडर द बैली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड. तो कुछ दिनों बाद उसका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया. द हॉर्स वॉज नियरली Sometimes he would lose his temper suddenly and bark at Mooney for daring to ask for credit. तो वो अब उसका टेम्पर था जो वो अपना शॉर्ट टेम्पर हो गया था, उसने अपना टेम्पर खो दिया, उसका गुस्सा आने लगा तो वो मुन्नी पे थोड़ा सा भड़क गया और उसको पैसे देने को बोलने लगा था. शॉपमैन सैड इफ़ यू कुड फाइंड 5 rupees एंड अ क्वार्टर यू विल हैव पेड ऑफ एन एंसेंट कैबेट. हाउ मच हैव यू गॉट नाउ. उसने बोला कि आपको 5 rupees देने पड़ेंगे क्वार्टर पेमेंट के लिए, तभी आप कुछ और ले सकते हो. और बट आप कब तक रुकोगे. आई विल पे यू एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो उसने बोला कि अब मैं आपको सभी पैसे दे दूँगी फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ एज ऑलवेज. एंड होम डू यू एक्सपेक्ट टू रॉब बाय दैन. तो उसने बोला कि जैसा कि हमेशा बोलते हो, कहाँ से रॉब करोगे आप, कहाँ से लेके आओगे. मुन्नी फेल्ट काउट एंड मम्बल. तो मुन्नी ने उस पर थोड़ा सा चिल्लाया और मम्बल करते हुए, माई डॉटर हैज़ सेंट वर्ड दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी. तो उसने बोला कि मेरी डॉटर ने बोला है कि वो उसको मनी सेंड कर देगी. हैव यू अ डॉटर, स्नीड द शॉपमैन, एंड शी इज सेंडिंग यू मनी फॉर व्हाट पर्पस मे आई नो. तो उसने बोला कि आपकी कोई डॉटर भी है तो वो आपको किस पर्पज़ के लिए मनी सेंड करेगी. बर्थडे, 50th birthday सैड मुन्नी क्वाइटली. बर्थडे, हाउ ओल्ड आर यू. तो उसने बोला कि मेरे 50th birthday पे वो सेंड करेगी. तो उसने पूछा कि आप कितने साल के हो. मुन्नी रिपीटेड वीकली नॉट बीइंग श्योर ऑफ इट्स नेम 50. तो वो अपने आप में श्योर नहीं थी बट उसने थोड़ा सा धीरे से बोला कि 50. ही ऑलवेज कैलकुलेटेड हिज एज फ्रॉम द टाइम ऑफ द ग्रेट फैमिली व्हेन ही स्टूड एज हाई एज prepared around the village well. But who could calculate such things accurately nowadays with so many families occurring. तो उस टाइम पर मोस्टली पीपल्स को नहीं पता था कि अपनी एज कैसे काउंट करते हैं तो वो इतनी श्योर नहीं थी अपनी एज के बारे में. शॉपमैन felt encouraged when other customers stood around to watch and comment. तो शॉपमैन ने उसको एनकरेज किया कि जो और कस्टमर खड़े थे अराउंड वो उसको देखें एंड कमेंट करें. मोर लाइकली यू आर 70.
ही सैड टू मुन्नी, कुछ ने बोला कि आप 70 के दुखते हो। यू ऑल्सो फॉरगेट दैट यू मैंशन द बर्थडे 5 weeks अगो व्हेन यू वॉन्टेड कैस्टर ऑयल फॉर योर होली बाथ। तो उसने बोला कि आप ऑल्सो भूल गए कि आपने 5 वीक पहले ये बोल के कैस्टर ऑयल लिया था कि आपको होली बाथ के लिए चाहिए। एट दिस मुन्नी अनअबेटेस्टली रोज एंड मूव्ड ऑफ, तो वो वहाँ से चली गई। एट ही लेटर टोल्ड हिज वाइफ दैट Scourgeant would not give me anything, so go out and sell the drumsticks for what they are worth. तो उसने बोला कि उसने मुझे अपनी वाइफ को जाके बोला कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया, तो आप ऐसा करो drumstick लेके जाओ, इनको बाहर जाके बेचो और कुछ लेके आओ। He flung himself down in a corner to recover from the fatigue of his visit to the shop. His wife said, "You are getting." नो सॉस टुडे नॉर एनी थिंग एल्स। तो उसने बोला वो कि उसकी वाइफ को बोला और वो वहाँ पे गई, उसके कॉर्नर पे गई, उसने देखा कि उसको कोई भी सॉस नहीं है और कुछ भी एल्स नहीं है। आई कैंट फाइंड एनी थिंग टू गिव यू टू ईट, मैं कुछ भी नहीं दे सकती आपको खाने के लिए। फास्ट टिल द इवनिंग आई इट विल डू यू गुड, तो कहाँ तक, इवनिंग तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती तो ये आपके लिए अच्छा होगा। टेक द गोड्स एंड बी गॉन नाउ, तो अपनी गोड्स लेके जाओ जाओ। She cried and added, "Don't come back before the sun is down." तो उसने बोला कि तब तक वापस नहीं आना जब तक सन डाउन नहीं हो जाता। He knew that if he obeyed her, she would somehow conjure up some food for him in the evening. Only he must be careful not to argue and irritate her. तो उसने बोला कि उसको कैसे पता था कि कैसे उसने फूड को इकट्ठा करना है, वो तब तक फूड इकट्ठा नहीं कर सकती कि क्या जब तक वो किसी को इरिटेट या किसी के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती। हर टेम्पर वाज अनडिपेंडेबल इन द मॉर्निंग बट इम्प्रूव बाय द इवनिंग, तो उसका जो टेम्पर था वो मॉर्निंग में अनडिपेंडेबल होता था बट शाम को जाके ठीक हो जाता था। शी वाज श्योर टू गो आउट एंड वर्क, तो वो श्योर थी कि वो शाम तक वो बाहर जाएगा तो कोई काम करेगा। ग्रिंड कॉर्न इन द बिग हाउस, वीप टू और स्क्रब समवेयर एंड अर्न इनफ टू बाय फूड स्टफ एंड कीप अ डिनर रेडी फॉर हिम इन द इवनिंग। तो वो उसने सोचा कि वो कॉर्नर वाले बिग हाउस में जाएगी, वहाँ पे झाड़ू पोछा कुछ भी करेगी और कुछ मनी इकट्ठी कर लेगी फूड स्टफ के लिए जो कि उसने शाम को डिनर के लिए प्रिपेयर करना है। Unleashing the gods from the drumsticks tree, Mooney started out driving them ahead and uttering fierce cries from time to time in order to order them on. He passed through the village with his head bobbed in thought. He did not want to look at anyone or be assaulted. A couple of cronies lounging in the temple corridor hailed him, but he ignored their कॉल। तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि वो जब अपनी गोश्त को लेके वहाँ पे गया और वहाँ पे बैठा तो उसने देखा कि उसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसको कपल्स ऑफ कॉर्नियस उस पर हंस भी रहे थे बट उसने किसी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था। शॉपमैन हैड सैड दैट ही वाज 70, तो शॉपमैन भी उस पर थोड़ा सा बोल रहा था कि उसने बोला था कि ही वाज 70 एंड 71 ओनली वेटेड टू बी समॉन बाय गॉड व्हेन ही वाज डैड बट वुड हिज वाइफ डू। तो उसको लगा कि जब वो 70 का हो चुका है तो मे बी उसको अब ज़्यादा टाइम नहीं जी पाएगा, इस वजह से जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी वाइफ क्या करेगी। दे हैड लिव्ड इन ईच अदर्स कंपनी सिंस दे वर चिल्ड्रन, तो वो एक दूसरे के साथ कंपनी थे इसलिए उनके चिल्ड्रन भी नहीं थे तो इस वजह से वो कैसे जी सकते हैं। ही हैड बीन टोल्ड ऑन देयर डे ऑफ वेडिंग दैट ही वॉज 10 ईयर ओल्ड एंड शी वॉज 8, तो उसने बताया कि जब वो उनकी वेडिंग हुई थी तो वो 10 ईयर्स का था एंड वो उसकी जो वाइफ थी वो 8 ईयर्स की थी। प्रॉग्नी नॉन पर हैज अ लार्ज प्रॉग्नी वुड हैव ब्राउट हिम द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स। ओनली ऑन द आउटस्कर्स डिड ही लिफ्ट हिज हैड एंड लुक अप ही ऑगर एंड वर्ल्ड the goats until they meandered along to the foot of the horse statue on the edge of the village. तो वहाँ पर जाके उन्होंने बैठ गए और उसने देखा कि वहाँ पर जो हॉर्स का स्टैचू है विलेज के एज में वहाँ पर चल गई। सी ही सैट ऑन इट्स
पेस्टल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. तो वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ गया. द एडवांटेज ऑफ दिस वॉज दैट ही कुड वॉच द हाईवे एंड सी द लॉरीज एंड बसेस पासेस थ्रू द हिल्स. तो वहाँ पे इसकी एडवांटेज एक थी कि वो वहाँ पे बैठ के क्या देखता था, हाईवे की तरफ देखता था, वहाँ से लॉरीज बसेस जो भी गुजरता था वो उसको हिल्स के पास से अच्छा लगता था. एंड गिविंग हिम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू लार्जर वर्ल्ड. तो ये उसको एक सेंस देती थी किस चीज़ की कि वर्ल्ड कितना बड़ा था. पेस्टल ऑफ द स्टैचू वॉज ब्रॉड इनफ फॉर हिम टू मूव अराउंड एज अ सन ट्रैवल था. तो वो जो स्टैचू था वो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड वेस्टर वॉज और ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बैली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड. तो वो वहाँ पे उसकी शेड में बैठ जाता था. द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज, मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, बेक्ड बर्ड एंड ब्राइटली कलर्ड एंड रेयर्ड. Its head proudly prancing, its four legs in the air and flourishing its tail in the loop. Beside the horse stood a variant with sexy-like muscles, plugging eyes and aquiline nose. The horse itself was said to have been as white as a dhobi wash sheets, and he had on his back a cover of pure bobbed of red and black lace matching the multicolored sash around the waist of the warrior. तो उसने पूरा डिस्क्राइब किया कि हॉर्स कैसा बना हुआ था. क्ले का बना हुआ था, बिग था, बर्न था, ब्राइटली कलर थे उस पर, और उसकी कैसे नोज थी, कैसे वो खड़ा था, कैसे उसकी जो टेल थी वो नीचे की तरफ थी, और कैसे वो लग रहा था बिल्कुल वाइट वाइट. एंड जो उसकी बैक पे कवर किया गया था वो कितने अच्छे कलर्स में, मल्टी कलर्स में किया गया था. बट नन ऑफ द विलेज रिमेंबर द स्प्लेंड हॉर्स एज नो वन द नोटिसर इस एक्सेंसेस. तो किसी ने भी उसको मतलब नोटिस नहीं किया था. इवन मुन्नी हु स्पेंड ऑल हिज वॉकिंग आवर्स एट इट्स फूड नेवर बॉदर टू लुक अप. इवन कि जब मुन्नी था उसने भी वो वहाँ पे आके कितना टाइम बैठता था उसने भी ये सब नहीं देखा था अब तक कि वो हॉर्स कितना सुंदर था. तो क्या हुआ देन, एंड इट वॉज अनटच्ड इवन बाय द यंग वेंडर्स ऑफ द विलेज हु गैश्ड ट्री ट्रंक्स विद नाइव्स एंड ट्राई टू टॉपल ऑफ माइलस्टोन्स एंड इनक्रेडिबल न्यू डिजाइंस ऑन द ऑल वॉल्स. सो उसका मतलब पूरा हॉर्स का था वो कितना सुंदर था. पूरे उसके विलेज में ऐसा कुछ भी नहीं था. दिस स्टैचू हैड बीन क्लोजर टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट वन टाइम व्हेन दिस स्पॉट ब्रॉडन द विलेज. पहले जे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में विलेज आता था जबकि इसको बॉर्डर किया गया था, इस विलेज को बॉर्डर किया गया था, तब इस ये डिवाइड हो गया था. मुनी सैट एट द फुट ऑफ द स्टैचू वॉचिंग हिज टू गॉड्स प्लेस इन द एल्ड सॉइल अमंग द कैक्टस एंड लंथना बुशेस. तो मुनी क्या कर रहा था, अपनी टू गॉड्स को देख रहा था. वो क्या कर रही थी, कैक्टस एंड लंथना बुशेस को खा रही थी. ही लुक्ड एट द सन, वो सन को देख रहे थे. इट हैड टाइटल्ड वेस्टवर्ड नो डाउट, बट इट वॉज नॉट द टाइम येट टू गो बैक होम. इफ ही वेंट टू अर्ली हिज वाइफ वुड हैव नो फूड फॉर हिम. ऑल्सो ही मस्ट गिव हर टाइम टू कूल ऑफ हर टेम्पर एंड फील सम्पैथी एंड देन शी वुड स्क्रॉन्स एंड मैनेज टू गेट सम फूड. तो उसने क्या देखा कि अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उसको थोड़ा टाइम और वेट करनी चाहिए. अगर वो जल्दी घर चला गया तो उसकी वाइफ का जो गुस्सा है वो अभी तक शांत नहीं हो पाया होगा, और मे बी वो उसको सिंपैथी नहीं देगी. इस वजह से उसने वहाँ पे जब तक वो मे बी उसके लिए कुछ फूड भी प्रिपेयर कर लेगी, तो इस वजह से वहाँ पे उसने बैठना ही सही समझा. वी विल डिस्कस द लेफ्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट असाइनमेंट. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे. Take care.